नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और ऐसे में हम बातचीत करेंगे महाराष्ट्र की एक और प्रमुख सीट के बारे में, जहां चुनाव जारी है और उस सीट पर कौन कौन से वो नेता हैं जिन्होंने दाव खेला है या कौन से वो चेहरे हैं जो इस बार इस सीट पर विधायकी का जो पद है उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट के बारे में, जहां सुबह से मतदान जारी है और शाम 6 बजे सीट के लिए एग्जिट पोल आ जाएंगे। और लाइव एग्जिट पोल देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर लें, जहाँ से आपको पूरे रुझान देखने को मिल जाएंगे। एक तरीके से जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ऐसे हम बात करते हैं अब बारामती जो सीट है उसके इतिहास के बारे में। 2014 में कौन से वो नेता रहे थे जिन्होंने जीत हासिल की थी, या 2019 में वो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस बार चुनावी दंगल के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चलते हैं 2014 की ओर। तो महाराष्ट्र में हुए 2014 विधानसभा चुनाव में बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी के अजीत पवार ने 150,588 वोटों से जीत हासिल की थी। जी हाँ, तो जो मौजूदा सांसद हैं तो वो अजीत पवार हैं वहाँ के, क्योंकि उन्होंने इतने मार्जिन से यहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद बारामती विधानसभा सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाला साहेब प्रभाकर रहे थे, जिन्हें 60,797 वोट मिले थे और उन्हें 89,791 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बारामती विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर एसएचएस के एडवोकेट राजेंद्र, चौथे नंबर पर आईएनसी के आकाश विजयराव और पांचवें नंबर पर बीएसपी के अनिल हरिभाव रहे थे। तो कुछ ये इतिहास था 2014 का। और ऐसे में भाजपा और शिवसेना का इस बार गठबंधन है, दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। तो ये जो प्रमुख पार्टियां हैं राजनीति की, इनके गठबंधन के आधार पर इनके कैंडिडेट मैदान पर हैं इस बार जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हैं उनमें। और बारामती सीट से जो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन है उसमें से आपको गोपी चंद पड़लेकर को खड़ा किया गया है। तो दूसरी ओर जो कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है उसके ओर से अजीत पवार मौजूद हैं, जो कि मौजूदा सांसद हैं वहाँ के, और इनके बीच चुनावी दंगल देखने को मिलेगा, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। शाम 6 बजे एग्जिट पोल आ जाएंगे, उसके बाद 24 अक्टूबर को इस सीट के नतीजे आएंगे। जब नतीजे आएंगे तब भी हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या अपडेट रहेगी, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। तो जब नतीजे आएंगे उस समय भी आपको एक ऐसे ही लिंक दे दिया जाएगा जिस पर आप क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। और शाम 6 बजे जब एग्जिट पोल आएंगे तो उसका लाइव एग्जिट पोल के लिए आप जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताया उस लिंक पर जो दिया गया है उस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जो भी अपडेट आएगी चुनाव से जुड़ी वो हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।